गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे विशेषण की रचना। हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले विशेषण दो प्रकार के होते हैं। पहला मूल विशेषण, दूसरा व्युत्पन्न विशेषण। मूल विशेषण में बड़ा, अच्छा, लंबा, छोटा, चतुर, निपुण आदि, ये सभी मूल शब्द हैं। अब इन शब्दों में प्रत्यय जोड़ करके विशेषण की रचना करते हैं। अब देखिए, दूसरा है व्युत्पन्न विशेषण। ये ऐसे विशेषण होते हैं जो संज्ञा, क्रिया, सर्वनाम, अव्यय आदि शब्दों से बनाए जाते हैं। जैसे नमक, नमक एक संज्ञा शब्द है। नमक शब्द से ये नमकीन शब्द बना है जिसमें इन प्रत्यय लगा हुआ है। इन प्रत्यय के संयोग से ये नमकीन शब्द बना है जो कि विशेषण है। चलना एक क्रिया शब्द है, विशेषण शब्द बना है वो चालू बना है, इसमें ऊ प्रत्यय लगा हुआ है। वह जो है ये सर्वनाम है और सर्वनाम शब्द से ये विशेषण शब्द बना है वैसा, वैसा में आ प्रत्यय लगा हुआ है। यहाँ देखिए ऊपर जो है अव्यय शब्द है, इस अव्यय शब्द से यहाँ देखिए ऊपरी शब्द बना है जो विशेषण है, इसमें ई प्रत्यय लगा हुआ है। बच्चों, व्युत्पन्न विशेषणों की रचना तीन प्रकार से की जा सकती है। से पहला है उपसर्ग द्वारा, दूसरा है प्रत्यय द्वारा और तीसरा है उपसर्ग एवं प्रत्यय दोनों के द्वारा। व्युत्पन्न विशेषणों की रचना में पहला जो है उपसर्ग द्वारा। उपसर्ग द्वारा विशेषणों की रचना किस प्रकार होती है, आइए इसे भी देखते हैं। शब्द से पूर्व उपसर्ग का प्रयोग करके विशेषण की रचना की जाती है। उपसर्ग आपको पता है कि शब्द के पहले लगाया जाता है। जैसे उपसर्ग है दुरुपसर्ग है, मूल शब्द है बल, उससे निर्मित यानी उससे बने विशेषण शब्द है दुर्बल। अउपसर्ग मूल शब्द है योग्य और इससे निर्मित विशेषण शब्द बना है अयोग्य। प्रउपसर्ग है सिद्ध जो है मूल शब्द है, इससे बना विशेषण शब्द है प्रसिद्ध। ला उपसर्ग है इलाज, मूल शब्द है, इससे जो विशेषण शब्द बना है वो ला इलाज बना है। बद उपसर्ग है किस्मत, मूल शब्द है और इससे जो विशेषण शब्द बना है बद किस्मत। व्युत्पन्न विशेषणों की रचना में दूसरा है प्रत्यय द्वारा। शब्द के अंत में प्रत्यय जोड़कर विशेषण शब्दों की रचना की जाती है। मूल शब्द में इक प्रत्यय, इत, इय, इन, इला, नी, निष्ठ, मान, वाला आदि कई ऐसे प्रत्यय हैं जिसको हम मूल शब्द में जोड़ करके विशेषण शब्दों की रचना कर सकते हैं। जैसे मूल शब्द है धर्म, धर्म में इक प्रत्यय जोड़ करके जो नया विशेषण शब्द बना है वो बना है धार्मिक। बच्चों, एक चीज का और ध्यान देना है, यहाँ देखिए ये छोटी ईक है तो यहाँ पर भी आपका धार्मिक शब्द में ये छोटी ई की ही मात्रा होगा। दूसरा है अंक, अंक मूल शब्द है, इसमें इत प्रत्यय जोड़ करके जो नया विशेषण शब्द बना है वो अंकित बना है। पूजा मूल शब्द है, इसमें निय प्रत्यय जोड़ करके जो विशेषण शब्द बना है पूजनीय। चमक मूल शब्द है, इला प्रत्यय जोड़ करके इसमें देखिए जो विशेषण शब्द बना है चमकीला। यहाँ पर देखिए बड़ी ई है तो बड़ी ई की मात्रा है, तो यहाँ पर भी आपका बड़ी ई की ही मात्रा होगी। जो प्रत्यय में जो मात्रा लगा होता है विशेषण में जो शब्द बनेगा हम उसी मात्रा का प्रयोग करेंगे। व्युत्पन्न विशेषणों की रचना में तीसरा है उपसर्ग एवं प्रत्यय द्वारा। उपसर्ग एवं प्रत्यय दोनों का प्रयोग करके विशेषण की रचना की जा सकती है। जैसे उपसर्ग हो गया स, मूल शब्द फल, प्रत्यय ता, इससे जो निमित्त विशेषण शब्द बना है सफलता। उपसर्ग है और मूल शब्द है न्याय, ई प्रत्यय है,
और उससे जो विशेषण शब्द बना है अन्यायी। स्व उपसर्ग मूल शब्द है तंत्र, प्रत्यय है ता और उससे जो विशेषण शब्द बना है स्वतंत्रता। दुर उपसर्ग है मूल शब्द इसमें लगा है बल, ता प्रत्यय जोड़ करके जो विशेषण शब्द बना है वो दुर्बलता है। बच्चों आइए देखते हैं सर्वनाम शब्दों से विशेषण किस प्रकार बनाया जाता है। वह, वह एक सर्वनाम शब्द है, इसका विशेषण होगा वैसा। कौन का कैसा विशेषण शब्द हो जाएगा, हम हमारा विशेषण शब्द हो जाएगा, तुम तुमसा और तुम्हारा, ये दोनों शब्द विशेषण शब्द हो जाएंगे। मैं मेरा, मैं सर्वनाम शब्द है, मैं का मेरा विशेषण शब्द हो जाएगा। आप का विशेषण शब्द हो जाएगा आपसा, आपसा या अपना। शब्दों से विशेषण बनाना, बिकना उड़ना चलना पढ़ना लूटना घूमना खाना, ये सभी शब्द जो है क्रिया शब्द हैं। अब इन शब्दों से विशेषण शब्द बना है बिकाऊ, इसमें देखिए बच्चों आऊ प्रत्यय जुड़ा हुआ है। उड़ना से उड़ाकू बना है, आकू प्रत्यय है इसमें, और ये उड़ाऊ भी हो जाएगा, उड़ाओ इसमें भी आऊ प्रत्यय लगा हुआ है। चलना से चलाऊ इसमें भी आऊ प्रत्यय लगा है। पढ़ना से पढ़ाकू इसमें भी आकू प्रत्यय लगा है। लूटना से लुटेरा इसमें एरा प्रत्यय लगा हुआ है। घूमना से घुमक्कड़ इसमें अक्कड़ प्रत्यय लगा हुआ है। खाना से खाऊ इसमें आऊ प्रत्यय लगा हुआ है। अव्यय शब्दों से विशेषण बनाना, अव्यय का अर्थ होता है जो लिंग वचन कारक के कारण जिसका परिवर्तन नहीं होता है। देखिए बाहर नीचे आगे ऊपर पीछे सतह, ये सभी शब्द जो है अव्यय शब्द हैं। इससे जो विशेषण शब्द बना है बाहर का बाहरी, नीचे का निचला, आगे का अगला, ऊपर का ऊपरी, पीछे का पिछला, सतह का सतही, ये सभी विशेषण शब्द बन गया है। बच्चों आशा करती हूँ कि आपको विशेषण की रचना अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।